हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सियाराम। चलिए चर्चा करते हैं आज आप 12 अश्वर का दिन कैसा रहेगा, साथ ही आज का लकी नंबर, लकी कलर भी जानेंगे। उसके पहले दिन की विशेषता और एक छोटा सा आप सभी के लिए संदेश है। लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल हैं या कोई कितना सक्सेसफुल है, देखने के लिए हमें उसका ओहदा नहीं देखना चाहिए, किस पोस्ट पर ये नहीं देखना है। हमें देखना है कि लोगों के कितने लोगों के दिलों पर उसका राज है। जी हाँ, कितने लोग उसका सम्मान करते हैं, कितने लोग उसे पसंद करते हैं, इस तरह से आपको किसी व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा के बारे में अनुमान लगाना चाहिए। आज 2 अगस्त है, दिन बुधवार का है और चंद्रमा मकर राशि में 11:26 तक है। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब चर्चा करते हैं आज के ग्रह गोचर की। गुरु राहु मेष राशि में है, सूर्य देव कर्क राशि में है, मंगल शुक्र बुध की युति बनी हुई है सिंह राशि में, केतु तुला राशि में है, चंद्रमा मकर राशि में है और शनि देव कुंभ राशि में है। सबसे पहले बात करते हैं आप मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। घर के बड़ों का मान सम्मान और सेवा में कोई कमी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। आपको आपका भाग्य मीटर 81% नंबर दे रहा है। आज का दिन आपके लिए और उत्तम बने, आपको चाहिए कि आप आज लकी नंबर 4 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए रेड कलर एंड ऑरेंज कलर। आज आप मेष राशि वालों को चाहिए कि हनुमान जी को 4 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। अगर बूंदी के लड्डू का भोग नहीं लगा सकते हैं तो आप गुड़ का भी भोग लगा कर सकते हैं और साथ में उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। देखिए आपका दिन और उत्तम हो जाएगा। जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बहुत सुंदर बना हुआ है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट का भी अच्छा समय व्यतीत करें। व्यवसाय में लाभ की सुंदर स्थितियां बनी हुई है। करियर की चर्चा करें तो करियर में चली आ रही प्रॉब्लम्स में अब धीरे धीरे स्थिरता दूरी आ रही है। अब चर्चा आप टॉरस राशि वालों की, वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशुमा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, परिवार के सदस्यों का बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं आप, साथ ही भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिला। आज आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। करियर की चर्चा करें तो करियर में थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टीज दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ आपका आपके साथ काम करने के साथ में किसी बात को लेकर के ईगो कलेश हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि स्थितियों को कंट्रोल में रहने दें, ज्यादा क्रोध नहीं करेंगे, सोच विचार के ही अपने शब्दों का प्रयोग करें। यात्राएं करनी पड़ रही, यात्राएं आपके लिए नए नए कॉन्टेक्ट लेकर के आ रही जो आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। स्टूडेंट्स की चर्चा करते, स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको फिर खर्चे पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि आज आप खर्च दिल खोल करके कर रहे हैं, परिवार के सदस्यों पे घूमने फिरने पे खर्च कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। जोखिम भरे कामों से आपको दूर रहना है। आपका आज का भाग्य मीटर आपको 80% दे रहा है। भाग्य बहुत सुंदर है। आप सभी वृषभ राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन भोले बाबा के ऊपर एक मुट्ठी हरी मूंग अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ और प्रबल रूप से आपको प्राप्त होगा। चर्चा करते हैं आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज के दिन किस्मत आपके साथ है। परिवार के सदस्य अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु किसी बात को लेकर के आपके बीच में बहस नहीं हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए शनि अपनी वक्र दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में आपको हड्डियों में और शारीरिक कष्ट महसूस हो सकता है, शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही पिता के साथ संबंधों पर ध्यान देने की थोड़ी आवश्यकता अवश्य दिखाई दे रही है। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति थी जिसका विवाद चल रहा था, तो अब फिर उसका फैसला आपके फेवर में आ रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने में बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। पूजा पाठ धन कर्म कार्य में आपका मन अच्छे से लग रहा है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ तो बहुत सुंदर समय व्यतीत कर रहे हैं आप। आप मिथुन राशि वालों को आपका भाग्य का मीटर 60% नंबर दे रहा है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप आज पिंक कलर के कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। घर से निकलने के पूर्व छोटी इलायची अवश्य खा लें। भोले बाबा के शिवलिंग पर 2 लवंग के जोड़े अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु कृपा अवश्य प्राप्त होगी। चर्चा करते हैं आप कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आज के दिन तो आपके
आसपास एक अजब सा ही प्रभाव है, आपका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है, साथ ही आपकी आंखों की लालिमा भी बहुत सुंदर, लोग आपसे आज बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है, परंतु यहाँ आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, वरना अच्छे खासे दिन को आप खराब कर सकते हैं। करियर की चर्चा करें तो करियर में आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होने के सुंदर योग बने हुए हैं, परंतु कोई आपका अपना ही है जो रोड़े अटका रहा है, ऐसे में अपनी सारी प्लानिंग दूसरों से शेयर नहीं करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ अब आप अपने रिश्ते को एकदम और आगे ले जाना चाहते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन काफी उत्तम है, परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। आप सभी कर्क राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 4 का जरूर उपयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए रेड कलर एंड येलो कलर। आप कर्क राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोले बाबा के मंदिर में जाए और वहां पर भोले बाबा के ऊपर गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। दूध में यदि पॉसिबल हो तो आप केसर अवश्य डालें, छोटा सा केसर डाल करके भगवान का अभिषेक करें, देखिए प्रभु कृपा किस प्रकार से आपको प्राप्त होती है। साथ ही अपने कर्मों पर भी ध्यान बनाए रखें। चर्चा करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, व्यवस्थान में हो रहा है, गुरु और राहु का गोचर आपके भाग्य में है। आपकी राशि में बुध शुक्र मंगल गोचर हो रहा है, ऐसे में भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, परंतु आपको यहाँ आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी का साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, सहयोग पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, जिस वजह से भी आप थोड़े से टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, उसके सुंदर योग बन चुके हैं। यदि आप अपना मकान वाहन खरीदना चाहते थे तो उसके भी सुंदर योग चल रहे हैं। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने बिजनेस पर। करियर की चर्चा करें तो करियर में तो आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होने के सुंदर योग बने हुए हैं। आप सभी सिंह राशि वालों को चाहिए कि दिन आपका और उत्तम हो जाए, ऐसे में आपको लकी नंबर 8 का जरूर प्रयोग करना चाहिए। लकी कलर आप सभी के लिए है रेड कलर एंड येलो कलर। अब चर्चा आप कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भागदौड़ वाला दिन दिखाई दे रहा है, साथ ही आज आपको अपनी संतान के और अपने स्वास्थ्य दोनों का विशेष रूप से ध्यान देना है। आज मन थोड़ा सा चिंतित भी दिखाई दे रहा है, कामों में परेशानी आ रही है, दूसरों के काम में बिना बात के रोक टोक नहीं करें, अन्यथा दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। धैर्य से काम लें, काम का बोझ ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं आज आपके ऊपर। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके सुंदर योग बने हुए हैं। धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु जिस स्पीड से धन आ रहा है उसी स्पीड से खर्च भी हो रहा है। आप सभी को आज के दिन क्या करना है क्या नहीं पहले से ही प्लान कर लें। अगर आप चाहते हैं दिन और भी आपका लकी हो जाए, भाग्य के साथ आपको और ज्यादा मिले, तो ऐसे में लकी नंबर 2 का जरूर प्रयोग करें। और लकी कलर है आप सभी के लिए पिंक कलर एंड पर्पल कलर। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में आप कन्या राशि वालों को चाहिए कि जहां कहीं भी आपको गौ माता दिखाई देती है या किसी गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा अवश्य करें। ऐसा करने से आपका दिन और जीवन दोनों ही सफल हो जाएगा और दोनों में चली आ रही प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी प्रभु कृपा से। अब चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे थे, सरकारी नौकरी मिलने के सुंदर योग बने हुए हैं। आज मित्रों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। यदि आप विदेश में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आज कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। आज आप अपने घर की खरीदार सजावट के लिए भी सामान खरीद रहे हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। लव लाइफ में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आज धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। कारोबार में भी आज आपके तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। केवल आपको डिसीजन थोड़े सोच समझ करके लेने हैं। कोई भी नए कार्य को यदि आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो कार्य से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों का दिन काफी सुंदर बना हुआ है। आप सभी तुला राशि वालों को चाहिए कि दिन को और सुंदर बनाने के लिए लकी नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए पिंक कलर एंड ग्रीन कलर।
अब चर्चा आप वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि आज आपके लिए मान सम्मान के प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। साथ ही कहीं से कोई शुभ समाचार भी मिल रहा है। यदि आप जॉब के लिए ट्राई करें तो आपको सुंदर जॉब के ऑफर भी प्राप्त हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल है। आज कहीं से गुड न्यूज भी प्राप्त हो रही है आपको। साथ ही आपके घर मेहमान भी आ रहे हैं। यदि मकान वाहन खरीदना चाहते तो उसके सुंदर योग बने हुए। केवल अपनी वाणी पर सोच समझ करके प्रयोग करें, और कहीं भी पब्लिक प्लेस में बोलने से पहले या किसी भी कभी झगड़े बिना बात के आप जाकर के सलाह नहीं देंगे, अन्यथा यहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप सभी वृश्चिक राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और उत्तम बनाने के लिए लकी नंबर 4 का जरूर प्रयोग करें। लकी कलर आप सभी के लिए है येलो कलर। अब चर्चा आप धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आया है। एक तरफ आपके रोजगार में वृद्धि हो रही है, कहीं न कहीं से धन का आगमन हो रहा है, मन आपका प्रसन्न है। दूसरी तरफ आज आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी परिवार के सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, यात्राएं करनी पड़ी, यात्राओं से आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई, नए नए आपके कॉन्टेक्ट बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख सब कुछ मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव मेट के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं। विद्यार्थियों का दिन बहुत सुंदर बना हुआ है। आज आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको परिणाम प्राप्त हो रहा है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो यहाँ आपके लिए विवाह के नए नए प्रस्ताव भी आ रहे हैं। आप सभी धनु राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन को और मंगल बनाने के लिए लकी नंबर 6 का जरूर प्रयोग करें। लकी रंग आप सभी के लिए आज का है लाल कलर, और साथ में आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी यूज कर सकते हैं। अब चर्चा आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आज का दिन आपका व्यस्त दिखाई दे रहा है, भागदौड़ करनी पड़ रही है, फालतू खर्चे थोड़े ज्यादा हो रहे हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेन देन करते समय सावधानी रखें। विशेष रूप से आज किसी मित्र के सहयोग से आपके रुके हुए काम भी बन रहे हैं, परंतु आपको अपने क्रोध पर और उत्तेजना पर संयम रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता दिखाई दे रही है। परिवार के सदस्यों के बीच में कलेश मचा हुआ है, जिस वजह से आपको चिंताएं थोड़ी ज्यादा हैं। यात्रा करते समय ध्यान रखें, ड्राइविंग संभाल के करें, चोट चपेट लगने के यहाँ पर योग दिखाई दे। जीवन साथी के साथ आज तालमेल उतना अच्छा नहीं बना हुआ है आपका, परंतु समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो रही है। आपके कार्यों की सभी प्रशंसा करें, पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ आज थोड़ा सा आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना है, समय दें, अन्यथा यहाँ रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। आप सभी मकर राशि वालों को चाहिए कि दिन को और उत्तम बनाने के लिए आज के दिन लकी नंबर 7 का जरूर प्रयोग करें। और लकी कलर आप सभी के लिए है टील कलर और गुलाबी कलर। अब बात करते हैं आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधानियां बरतनी है। खान पान पर ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों की ज्यादा चिंता ना करें। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए आज सफलता प्रदान करने वाला दिन दिखाई दे रहा है। आज आपको फिर छोटे भाई बहनों का और मित्रों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। करियर की चर्चा करें तो करियर में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। लोग आपके काम की प्रशंसा तो करें, साथ में ईर्ष्या भी कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ आज तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लॉ लाइफ की चर्चा करें तो लॉ मेट के साथ आज आपके रिश्ते पहले से ज्यादा बेटर हैं, पर ध्यान रखें कि सोच समझ करके ही प्रॉमिस करेंगे, अन्यथा आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य साथ आपको मिल रहा है, भाग्य के साथ को और प्रबल करने के लिए आप सभी को चाहिए लकी नंबर 3 का जरूर प्रयोग करें। और लकी कलर आज आप सभी के लिए है रेड कलर, स्काई ब्लू कलर। अब चर्चा करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आज आपको दिन खूब सुंदर परिणाम लेकर के आया है, तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में तो यहाँ पर आपके लाभ के सुंदर अवसर दिखाई दे रहे हैं। आज आप कोई संपत्ति खरीदने के भी मूड में हैं। दाम्पत्य जीवन में आपके पहले से चली आ रही प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा है। आप दोनों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। आज आपको छोटे भाई बहनों से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ रिश्तों पर ध्यान दें। परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है।
पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप सभी मीन राशि वालों को चाहिए कि आज के दिन लकी नंबर 8 का जरूर प्रयोग करें, 8। और आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट कलर एंड येलो कलर। चर्चा करते हैं आज के महा उपाय की। यदि आपकी आयु बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद भी विवाह नहीं हो रहा, असफलता ही हाथ लग रही, तो ऐसे में सावन के गुरुवार से ये उपाय आप अवश्य स्टार्ट करें। देखिए, भोले बाबा माता पार्वती कृपा से विवाह में आ रहे विघ्न दूर होंगे। करना क्या है, गुरुवार के दिन प्रातः काल जाग करके स्नान कर लें, पीले वस्त्र धारण करके मन में पवित्रता का भाव रखेंगे और अपने साथ आपको 5 पूजा वाले नारियल लेने हैं। उन्हें लेकर के शिव मंदिर जाना है, वहाँ पर भोलेनाथ भगवान का, उनके पूरे परिवार का अच्छे से पूजा करें और उसके बाद उन नारियल को आप बाबा के शिवलिंग के पास अर्पित कर देंगे और वहीं बैठ करके ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः इस मंत्र का 5 माला जाप करें। और ऐसा आपको हर गुरुवार करना है, कम से कम 11 गुरुवार करें। परंतु ये उपाय वही लोग करेंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, आयु ज्यादा हो गई, परंतु विवाह नहीं हो रहा है बहुत प्रयासों के बाद भी। फ्रेंड्स, आप सभी का दिन प्रभु कृपा से मंगलमय हो, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव, जय सियाराम। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।